बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी हमारी बीफ स्टेक विद सॉल्टेड पोटैटोज एंड मशरूम सॉस। इसके लिए हमें चाहिए बीफ के 3 स्लाइसेस, वॉर्सेशायर सॉस चाहिए हमें 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1/2 टेबलस्पून, अनियन पाउडर 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, ओलिव ऑयल 2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, थाइम 1 टेबलस्पून और 2 लेमन का हम जूस डाल देंगे इसमें। अब इसको अच्छा सा इन तमाम चीज़ों के साथ मैरिनेट करके 7 से 8 घंटों के लिए रख देंगे। अब तकरीबन 7 से 8 घंटे गुजर जाने के बाद हमने इसको अच्छा सा थोड़े से ऑयल में पका लिया है तमाम स्टेक्स को। अब इसको डिश आउट करके इसी जूसेस में, बीफ के जूसेस में हमने बॉयल पोटैटोज़ डाल दिए हैं 2 मीडियम, अच्छे से बॉयल हुए हुए हैं ये। इसके अंदर हम पेपरिका पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून, मिक्स हर्ब्स 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1/2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून। अब इसको अच्छा सा सौते करके हमने इसको भी डिश आउट कर देना है। ये भी रेडी हो गए हैं, स्टेक्स के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब एक और पैन में हमने ऑयल लिया है 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून ही हमने बटर ले लिया है। इसके अंदर हमने मशरूम का 1 टिन डाल दिया है। इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना है, साथ साथ हम चमचा चलाते जाएंगे। गार्लिक पाउडर डालेंगे 1/2 टेबलस्पून, चिकन पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून। आप इसकी जगह चिकन स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने चिकन पाउडर और 1 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। लीजिए, ये मशरूम सूप रेडी हो गया है। ये सूप हम सॉस के लिए तैयार कर रहे हैं। अब एक और पैन में हमने 1 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। इसके अंदर हमने मैदा डाला है तकरीबन 1 स्मॉल बोल। इसको हमने खूब भूनना है ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छा सा भुन भी जाए। साथ साथ चमचा चलाते रहेंगे हम ताकि इसके नीचे भी ना लग पाए और लम्स भी ना बन सकें। नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, मिक्स हर्ब्स 1 टेबलस्पून। अब इसको हम साथ साथ हिलाते जा रहे हैं, तमाम चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं। अब बहुत स्लोली स्लोली इसके अंदर हमने 2 ग्लास दूध ऐड करना है और साथ साथ चम्मच चलाते जाना है। मैंने बीटर ले लिया है ताकि लम्स ना बन पाए और बहुत अच्छा सा इसको मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हम मशरूम सूप ऐड कर देंगे। चीज़ डाली है हमने 4 से 5 चम्मच। अब इसको हमने मिला लेना है। लीजिए, मज़ेदार मशरूम सूप तैयार है। इसको हम गर्मा गर्म स्टेक्स के साथ और सॉल्टेड पोटैटोज़ के साथ सर्व करेंगे। इन्जॉय कीजिए।